अगर तुम्हारा मेरे ऊपर कोई हक नहीं है तो मेरी फैमिली पे, मेरे बेडरूम पे, मेरे घर पे, हर चीज पे तुम्हारा हक कैसे है? जो भी बात है बता चुकी हूँ। अब इसे सच मानना है या झूठ मानना है तुम्हारी मर्जी। आई डोंट केयर। हक नहीं है, हक नहीं है, हक नहीं है, इसका हक नहीं है, उसका हक नहीं है। कुछ लगता हूँ मैं क्या? मैं बीच झगड़ा हुआ मेरा, इसलिए गुस्सा उतार रहा हूँ अपना। अब अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ भी सुबह सुबह झगड़ा हुआ है। क्या हुआ? जो मैंने बोला था खाने के लिए बनाया नहीं उसने। अरे आप भी ना। तुम अपना ध्यान ठीक से नहीं रख पा रहे हो, और अगर आगे भी ऐसे ही चलता रहा, तुमने अपना ध्यान नहीं रखा, तो ये प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आई थिंक मुझे तुम्हारे हस्बैंड से बात कर लेनी चाहिए। तुम कॉल लगाओ, मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ अपने दिल की बात क्यों शेयर करूं? तुम मेरे लगते क्या? तुम्हारे ये जो झगड़े हैं, इनका असर तुम्हारी प्रेगनेंसी पर हो रहा है, तो तुम जितनी जल्दी हो सके इन सब झगड़ों को सॉल्व कर लो। ये सब स्ट्रेस की वजह से ही हो रहा है। किस हक से ये पूछ रहे हो तुम? मुझ पर जो सारे हक थे तुम्हारे, जिस दिन तुम्हारा घर छोड़ के चली गई थी ना, उसी दिन वो सारे हक खत्म हो गए। अगर हक तुम्हारे सारे चले गए थे तो तुम वापस किस हक से आई? किस हक से वापस आके तुमने मेरे बेडरूम को अपना बेडरूम बना लिया? I'm so sorry, मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि मैं आपका ख्याल रखूँ, पर I'm sorry, मैं नहीं रख पाती। But I promise, अभी अच्छे से आपका ध्यान रखूँगी। किसी भी बात का असर आप पे नहीं पड़ने दूँगी। I promise। क्या बात कर रही है प्राची? सच कह रही हूँ मैं। तुझे पता है, जब मैं इस घर में आई थी ना अपने बच्चे को लेकर, तब मैं निडर होके आई थी, बेखौफ होके आई थी। मुझे किसी से डर नहीं था, पर आज मैं डर गई। मेरी दिल की धड़कन ना इतनी तेज कभी नहीं हुई, मैं बहुत डर गई थी। मैं रणबीर के साथ एक ही कमरे में थी, डॉक्टर के कैबिन में। हमारे बीच सिर्फ एक पर्दा था। जब उसकी आवाज सुनी ना मैंने, तो बस मन ही मन भगवान से प्रे कर रही थी कि मेरे बारे में उसे पता ना चले, और वो वहां से चला गया। फिर मैं उसके पीछे पीछे गई कि उस जगह से बाहर निकलो, लेकिन दरवाजे पे वो मुझसे टकरा ही गया। तो उसने तुझे देख लिया? हाँ, हम आमने सामने थे। अब वो एक्सीडेंट था, कोई इंसिडेंट था, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि ये भगवान जी का इशारा था कि मैं उसे सब कुछ बता दूं। अच्छी, मुझे लगता है कि तुझे सब बता देना चाहिए था। नहीं नहीं शाना, मुझे नहीं बताना उसे, मुझे बस अपने दिल की बात सुनिए बस। चाची, उसका ऐसे बार बार टकराना इसका मतलब समझ रही है? ये भगवान का इशारा ही है। नहीं शाना, यू जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग। मुझे डर लग रहा है क्योंकि अभी रणबीर को मुझ पे शक हो गया है कि मैं। क्या शक हो गया है? अंदर आ जाऊं क्या? तुम लोगों की कोई सीक्रेट बात चल रही है? नहीं नहीं दीदा, आइए ना। पता क्या बात है, तू इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? प्राची, उधर मैंने तुझसे कुछ पूछा है, और इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि तुझे बताना ही बताना है। तू मुझे मना भी कर सकती है, मैं बुरा नहीं मानूंगी। ओए, तू मेरी सबसे प्यारी नूह, मेरे रणबीर दी वोटी। तेरी एक मुस्कान ते मैं लख लख वारी जावा पुत्र। ये सीक्रेट क्या चीज है? बस तू उदास ना हो पुत्र, और मुझे ना बताने का बोझ अपने सीने पे ना रख। मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। सॉरी दीदा, आपकी अच्छी बहू नहीं हूँ। मैंने आपसे भी एक बात छुपाई है।
इधर देख, अगर कुछ छुपाया है तो उसकी जरूर कोई वजह होगी, और जितना मैं तुझे जानती हूँ ना, वजह जरूर जायज होगी। इसलिए पुत्र तू उदास मत हो, जब तेरा मन करे, जब तुझे लगे कि सही समय है तब बता देना। देख पुत्र, हम औरतों की जिंदगी ना हमेशा परीक्षाओं से भरी होती है, वो चाहे माता सीता हो या द्रौपदी, सबको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिंदगी में बहुत सारे त्याग करने होते हैं, और मैं देख सकती हूँ पुत्र कि तू भी यही सब कर रही है। मैं तेरी आंखों में परेशानी देख रही हूँ, लेकिन चिंता ना कर, हम औरतों का दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत शक्ति होती है हमें, हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, हर राज छुपा सकते हैं। रणवीर, पुत्र, प्राची को ना अपनी माँ की याद आ रही थी, इस करके उसकी आंखें भर आई। तू उससे उल्टे सीधे सवाल मत करना। दीदा, आप शायद प्राची को अच्छे से जानती नहीं। प्राची अपने करीब किसी को आने नहीं देती, किसी के जाने का गम थोड़ी सताएगा उसको। एनीवे, मैं यहाँ पे प्राची के लिए आया नहीं था, मैं यहाँ पे आपके लिए आया था। देर बहुत हो गई, हाँ गुड नाइट करते हैं, आपको मैं लेके जाने वाला हूँ कमरे में। और दीदा प्लीज, एक प्राची की साइड लेना प्लीज बंद कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। ऐसे क्यों कह रहा है तू? क्योंकि इस घर में कुछ लोग हैं जो ना सिर्फ टेढ़ी बातें समझते हैं, उनसे अगर सीधे मुंह बात करो तो बात कुछ और ही समझ लेते हैं। एंड प्लस दीदा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे कोई मेरी बात को छुपा रहा है। पुत्र, मैंने तुझसे कहा था ना, वो बेचारे वैसे ही बहुत परेशान है, उसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू जा और अपनी छानबीन कहीं और कर। मैं यहाँ पे मम्मी की मेडिसिन लेने आया था, तुम यहाँ पे क्यों आई? मैं भी मेडिसिन लेने आई थी। अगर मुझे बाद में कोई ऐसी बात पता चली जो मुझे बहुत पहले पता चल जानी चाहिए थी, तो इस बात में जितने लोग इन्वॉल्व्ड हैं, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। And I mean it. खबर चाहे अच्छी हो या बुरी हो, खबर को उसी वक्त पे बता देना चाहिए। चलिए दीदा, मैं आपको आप एक कमरे में ले जाता हूँ, तब तक यहाँ पे प्राची को टाइम मिल जाएगा सोचने का कि उसको बात बतानी है कि नहीं बतानी। गुड नाइट। चलिए दीदा। क्या करूं मैं शाना, क्या करूं मैं? प्राची, मैंने तो तुझे बता दिया कि तुझे क्या करना चाहिए। वो नहीं, कुछ और बता। मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बात जाकर भी नहीं बता सकती। प्राची, बात यहाँ पे प्रेगनेंसी की नहीं है। रणबीर को तेरी चिंता है, वो तेरे लिए परेशान है, और जब तक तू उसे नहीं बताएगी ना, वो ऐसे ही परेशान रहेगा। उसे डर लग रहा है कि कल को तुझे कुछ हो ना। नहीं, ये बात नहीं है, तुझे बड़ी फिक्र है उसकी। वो नहीं सोचता मेरे बारे में, कुछ फील नहीं करता मेरे लिए, जो भी करता है ना बस दिखावा करता। तो फिर ठीक है, अब तू देख ले कि तुझे क्या करना है, तुझे उसे बताना है या नहीं बताना है। दीदा ने भी बोल दिया ना, जब तुझे लगे कि सही टाइम है तब बताना। प्राचीन, अब तू डिसाइड कर कि तुझे क्या करना है, तुझे उनकी सुननी है या अपने दिल की सुननी है। मैं जा रही हूँ, बाय। क्या करूँ मैं? जिसे इसका ध्यान मुझ पर से हट जाए, किसी और बात को सोचने लगे, किसी और बात पे फोकस चले। रिया, चाहिए तुम्हें? मुझे जो चाहिए दे सकती हो। आई मीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहाने आई हूँ, रात को किचन में नहाने का मजा ही कुछ और है। अब यहाँ आई हूँ ना तो डेफिनेटली यही कुछ काम होगा, बेकार के सवाल क्यों कर रही हो? अच्छा है, कुछ टाइम यहाँ किचन में भी स्पेंड कर लिया करो, क्योंकि तुम्हारा आधा से ज्यादा टाइम तो ड्रेसिंग टेबल के सामने
मेडिसिन खाते हो जाता है ना? वैसे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैंने कई बार तुम्हें मेडिसिन लेते हुए देखा है। मुझ पे नजर रखी जा रही है, पर थैंक गॉड मेरी दवाई पर इसकी नजर नहीं पड़ी, वरना इसे पता चल जाता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या हुआ? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई। क्यों लेती हो मेडिसिन? आई थिंक आई नो, सुंदर दिखने के लिए नहीं, लॉन्ग नेल्स के लिए, सॉफ्ट यंग स्किन के लिए, लंबे लंबे बालों के लिए, है ना? ये सब तुम इसलिए करती हो ना ताकि तुम रणबीर के सामने सुंदर लग सको। उसका कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा कोई ट्रिक, कोई मैजिक, कोई जादू मंत्र और ना ही ये मेडिसिन सब कुछ काम में नहीं आने वाले, और ना ही मुझे और रणबीर को एक दूसरे से अलग कर सकती, क्योंकि रणबीर ने खुद मुझे अपनी बेबी जो बना लिया है। आई विश तुम मेरी बहन नहीं होती। मैं भी भगवान से यही तो बोलते आ रही हूँ जब से पता चला है कि तुम मेरी बहन। बचपन में जब बहन चाहिए थी तब भगवान ने भेजा नहीं, बड़ी होकर जब बहन नहीं चाहिए थी तो तुम्हें भेज दिया मेरी हर खुशी पर नजर डालने के लिए। अब मेरी किस्मत में रणबीर जैसा हीरा लिखा है तो तुम्हारे तरह कोयला भी तो है। यू नो व्हाट बूजी कहती है कि मैंने अपने पिछले जन्म में ना जरूर कोई मोती के दान किए होंगे जो मुझे रणबीर मिला, लेकिन उनकी बातें सुनकर मुझे ये भी लगता है कि मैंने जरूर कोई बुरे काम भी किए होंगे जो तुम जैसी बहन मिले। काश हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स की तरह ना कोई लीगल प्रोसीजर होता दो बहनों का रिश्ता खत्म करने का। पूछती हूँ अपने लॉयर से, फैमिली लॉयर से, आई एम श्योर कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। इतनी दुखी हूँ मुझसे, इससे भी ज्यादा तुम सोच भी नहीं सकती। यू नो व्हाट, 10 मिनट के लिए अगर इस देश में से कानून हटा दो ना तो मैं तुम्हें अभी मार दूँ। पर जाने दो। इतना सब सुनने के बाद तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगी? मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए तुम कानून के हटने का इंतजार कर रही हो, पर कानून के रहते हुए भी तुम्हें तकलीफ पहुंचा सकती हूँ बहुत आसानी से, वो दर्द वो चोट दे सकती हूँ जिसके लिए इस दुनिया में कोई इलाज कोई दवाई बनी ही नहीं। एनीवे, ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि तुम्हारा वो जो सो कॉल्ड बेबी है ना, आज मिला था मुझे बाहर सुबह सुबह, मुझे देखे उसने अपनी गाड़ी रोकी और मुझे अंदर बैठने का ऑफर दिया, मतलब लिफ्ट दे रहा था मुझे। एक काम करता हूं, मैं भी चलता हूं, ठीक है? See you. अब वो लिफ्ट दे रहा था या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था मुझे नहीं पता, ये पता लगा सकती थी मैं उसकी गाड़ी में बैठ के, पर मैंने ऐसा नहीं किया। देखो, एक अच्छी बहन होने का फर्ज मैंने तो निभाया अपनी तरफ से, तुम भी कोई फर्ज निभाओ, अपना घर बचाओ जो रेत का बना हुआ है, जरा सी ठोकर लगी तो सब खत्म, पर जितना भी टाइम है उसे एंजॉय करो, है ना? अरे बेबी के बेबी, तुम यहाँ भी आ गए, वेरी गुड, आ ही गए तो आओ बातें करो। इनफैक्ट मैं तुम्हारे बेबी से तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, बताया मैंने कि कैसे इसके बेबी ने मुझे आज लिफ्ट ऑफर की अपने गाड़ी में, ये जो बेबी वाली हरकत की है इसके बेबी ने, उसके बारे में बेबी को तो पता होना चाहिए ना, है ना बेबी? ओ गॉड, आई थिंक बहुत बेबी 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 हो रहा है ना, मुझे बोलते हुए भी दर्द हो रहा है। एनीवे, सो बेबीज, ये जो कुछ भी हुआ है आपस में बात करके सॉर्ट आउट कर लो, है ना? दूध पियो, गुड फॉर हेल्थ, गुड नाइट बेबीज। सॉरी, मुझे बातें छुपाने की आदत नहीं है, जो सच है बोल दिया। अपनी जो आदत है ना उसको बरकरार रखना, मेरी भी बारी आएगी। देखते एंड्रिया, प्राची को टैक्सी मिल नहीं रही थी इसीलिए मैंने उसको लिफ्ट ऑफर करी थी, एंड बिकॉज तुम दोनों के बीच में इतना टेंशन है इसलिए उसने बड़ा चढ़ा के तुम्हें बोल दिया, ऐसा है नहीं। प्राची, तुमने मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई? एक
छोटी सी बात को लेकर उसे इतना बड़ा चढ़ाकर बताकर तुम क्या प्रूफ करना चाहती हो? तुम्हारा मोटिव क्या है? मेरा कोई मोटिव नहीं। तुम्हारा मोटिव है तुमसे हम हस्बैंड वाइफ की नजदीकी देखी नहीं जा रही ना, इसलिए तुम जानबूझकर हम दोनों के बीच में झगड़ा करवाना चाहती हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। Because I am not going to fight with him. अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर ऐसी बात है, तुम दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो गुड फॉर यू। मैं बस कोई बात छुपाना नहीं चाहती थी, जिस तरह तुम दोनों ने मुझसे एक सच छुपाया। कौन सा सच? मेरी बहन की मेरे पति के साथ शादी। रणबीर, तुम्हें इसकी बातों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। ये चाहती कि हम दोनों एक दूसरे से झगड़ा करें। यू जस्ट डोंट स्पॉइल योर मूड, ओके? आई ट्रस्ट यू। अगर इस देश में से कानून हटा दो तो मैं तुम्हें अभी मार दूं। यू जस्ट डोंट स्पॉइल योर मूड, ओके? आई ट्रस्ट यू। क्या कर दिया मैं? करने कुछ और गई थी, बोलने कुछ और गई थी, कुछ और करके आ गई। नहीं, पर ठीक है, आई थिंक मेरा काम हो गया। रणबीर के दिमाग से मुझे अपनी प्रेगनेंसी की बात हटानी थी, सो हट गई। अब वो कुछ और ही सोचता रहेगा कि मैंने जो बात रिया को बोली वो क्यों बोली। पहली बार रिया मेरे किसी काम आई। तू यहां क्या कर रहा है? मैं ऐसे ही टहल रहा था। क्वेश्चन इज, आप यहां क्या कर रहे हैं? सुन, अपनी मॉम को मत बताना, ठीक है? कि ओके ओके ओके, नहीं बताऊंगा। लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिले? अब जो है वो यही है, यही मिलेगा। बनाओ एक तेरे लिए लिटिल लिटिल। आपको क्या लगता है, आप यहां पे बैठ के शराब पी रहे हो और मम्मी को पता नहीं चलेगा? पता नहीं चलेगा का क्या मतलब? मम्मी को पता है कि मैं कहीं ना कहीं बैठ के शराब पी रहा हूं, लेकिन अगर तूने जाके चुगली की तो वो मुझे रोकने आ जाएगी। तो आप कह रहे हो कि मम्मी को पता है कि शराब पीना गलत बात है, पर तब भी वो आपको यहां पे आके कुछ बोल नहीं रही? राइट। पर तू जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि शादी के कुछ साल बाद आपकी वाइफ आपकी दोस्त बन जाती है। वो तुम लोग क्या बोलते हो, PFF? PFF। उसे पता होता है कि कुछ चीजें आपके लिए गलत है, लेकिन वो ये भी जानती है कि खुश रहना कितना जरूरी है, इसलिए वो कुछ चीजों को इग्नोर करती है।
तो अभी तेरी माँ एक दोस्त की तरह चुपचाप बैठी है, लेकिन अगर उसे पता चलेगा कि मैं शराब पी रहा हूं तो वो मुझे रोकने आ जाएगी। नहीं डैड, अगर मम्मी को पता चलेगा ना कि आप ऐसे चुपचाप लिविंग रूम में पी रहे हो, उनको बहुत गुस्सा आएगा, और जब उन्हें गुस्सा आएगा तो आपको डांटेगी। इसीलिए उसी बात से डर रहे हो ना? इसे डर नहीं कहते, इसे ना फिकर कहते। तुझे क्या लगता है? मुझे सबके सामने पीने में क्या प्रॉब्लम है? पी सकता हूं मैं सबके सामने, लेकिन मैं जानता हूं अगर मैंने सबके सामने ड्रिंक किया तो इस बात से तेरी मां बहुत अपसेट हो जाएगी, और मैं उसे अपसेट नहीं करना चाहता हूं। आई केयर अबाउट हर, आई लव हर। ये एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, छोड़ ना, तू नहीं समझेगा। पापा मैं नहीं समझूंगा। ओके सॉरी यार। सॉरी क्यों? सॉरी क्योंकि एक बाप अपने बेटे को बड़ी प्राउडली कह रहा है कि वो कितना अच्छा हस्बैंड है, वो ये नहीं कह पा रहा है कि वो कितना अच्छा बाप है। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छा बाप नहीं हूं।